आज सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार और हमारे चारों जोन के डीसीपी और सेंट्रल जोन डीसीपी को बुलाया गया था क्योंकि दो चार दिन से शहर में हर जगह खासतौर से गुरकुंडा पीएस के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया मीरचक पुलिस स्टेशन के अंदर लाठी का इस्तेमाल किया गया उसके कमिश्नर ऑफ पुलिस सख्त एक्शन लिया मैं ख़ुद कल डीसीपी साहब से बात किया कमिश्नर साहब से बात किया और मुतल डीसीपी से बात किया ऐसा क्यों हो रहा है पुलिस का काम लाठी चलाना नहीं है पुलिस का काम अमन कायम करना है प्यार और मोहब्बत से कायम करना है और ख़ासतौर से तेलंगाना पुलिस तेलंगाना बनने के बाद पब्लिक के साथ बहुत फ्रेंडली काम करे ये करोना वायरस फैलने के बाद यकिन हमें सख्ती बरतना ज़रूरी था क्योंकि सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में कोरोना की तरफ से लोग काफ़ी लोगों की मौत वाक्य हो रही थी उसकी रोकथाम के लिए हमारे सी साहब ने बहुत से मीटिंग ली और डी साहब को वक़ता वकता इंस्ट्रक्शन देते रहे पुलिस भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रही थी मगर पुलिस का मकसद ये नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब का नहीं है हमारा मकसद नहीं है कि कभी लाठी का इस्तेमाल करें यकीनन कुछ लोग बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं दो दो तीन तीन आदमी को बिठाकर निकालते हैं उसके बावजूद जो पुलिस अहदेदारों से गुजारिश है कि उनके साथ भी पुलिस का बर्ताव अच्छा होना चाहिए कानून के शिकंजे में उनके साथ जो कार्रवाई वो करना चाहिए और कभी लाठी नहीं उठाना चाहिए आज कमिश्नर साहब के साथ काफ़ी देर तक लैंड ऑर्डर पर डिस्कशन रहा तमाम डीसीपी से भी डिस्कशन रहा और डीसीपी को हिदायत दी गई कि वो एवरी पुलिस स्टेशन का विजिट करें वहाँ के जितनी टीम है कॉन्स्टेबल्स की सब इंस्पेक्टर सी उनके साथ एक बार इस मामले में बातचीत करें क्योंकि जो वाक़ हो चुका होगा और आइंदा ऐसा वाक़ा होना नहीं होना चाहिए मुझे यकीन है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे हैं पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट कुछ गलती कर रहे हैं तो यकीन उनको भी हिदायत देती है पुलिस को उहदेदारों की जानब से मेरी जानब से कमिश्नर साहब की जानब से कि वो भी लोगों से अच्छा बर्ताव करें और इन श्ला मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ऐसे वाक़ात नहीं होंगे इसकी रोकथाम के लिए बहुत सख्ती से हिदायत दी गई है और आवाम से भी मेरी अपील है पुलिस के साथ कॉपरेट करें जब वो रोके तो रुक जाइए और उनसे गुफ्तगु कीजिए अच्छी लेवल में जो पुलिस ऑफिसर की लैंग्वेज अच्छी नहीं है जरिए उन पर भी एक्शन लिया गया मुगलपुरा में कोई पी एस के तहत जो वाक़ हुआ था उस पर भी वहाँ पर एक्शन लिया गया और ये जान दोनों जगह चार मिनार पर और गोलकुंडा पी एस के अंदर जो मीर चौक और गुलकुंडा पी में जो वाक़ हुए उस पर भी एक्शन लिया गया उन पुलिस कांस्टेबलों को और होमगार्ड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है इसलिए मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूं कि पुलिस के साथ कॉपरेट करें और पुलिस ऑफिसरों से भी अपील करता हूं कि आवाम के साथ बहुत हमदर्दाई अख्तियार करें बहुत क्योंकि हमारी आवाम बहुत परेशान है करोना की वजह से रोजगार नहीं है पूरा लॉकडाउन की वजह से एक महीने से लोग बड़े परेशान हैं अब लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर जब तक के कोरोना केसेस कम होते जाएंगे लॉकडाउन खुलेगा तो इसलिए मैं जब तमाम मेरे भाइयों से अपील भी करता हूँ तमाम भाइयों से कि पुलिस के साथ कॉपरेट कीजिए पुलिस आपकी खिदमत आपकी सेवा के लिए ये कोरोना को रोकने के लिए पुलिस रात दिन मेहनत करेगी उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ मगर जो पुलिस वाले कॉन्स्टेबल्स डंडा उठा रहे हैं उनकी भी मैं मजम्मत करता हूँ मैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसा वाक़ा नहीं होगा